दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहली रोशनी आईडीएफ इंडिया की तथागत बुद्ध है। पहला ट्रेड यूनियन बनाने वाला नायक महात्मा ज्योतिराव फूले थे और मजदूरों की लड़ाई आगे लेकर के लड़ने वाले नायक का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने पे ग्रेड ग्रेचुटी से लेकर के वेतन और भत्ते की सुविधा दी। कांवड़ होने जा रहे हैं तो आपके ऊपर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगा, और अगर एजुकेशन मांगने और नौकरी मांगने जाओगे तो लाठी बरसाएगा और बुलडोजर चरवा देगा। ये है उत्तर प्रदेश का राम राज्य। भाई हम भी तो जानना चाहते हैं कि मेरे मुल्क का वो एक आदमी कौन है जो 40% कब्जा कर लिया, कहीं वो वही तो नहीं जो पैसा लेकर विदेश भाग गया और जब वो भाग रहा था तो चौकीदार सो रहा था। आखिर चौकीदार किसकी चौकीदारी कर रहा था? फूले और अंबेडकर हमारे लिए उससे बढ़कर हैं जिन्होंने हमारे हाथ में कलम और किताब पकड़ाई है, इसलिए हम उन्हें अपना नायक मानते हैं। और नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। 40% सिलेबस अगर ऑनलाइन मोड में हो गया तो 40% टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर हो गए कि नहीं? हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमी से पानी का हिसाब मांगते हैं। भीमा कोरेगांव में कहा कि वो शस्त्र नहीं पकड़ सकते, और 500 महारों को जब शस्त्र पकड़ाया तो पेशवाओं की सेना के छक्के छोड़ा दिए। हमारी काबिलियत और हुनर तुमने रोका था, हमारे अंदर पूरी काबिलियत है। अरे न धर्म खतरे में है, न कोई भगवान खतरे में है। अगर खतरे में है तो मुल्क का संविधान खतरे में है। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का अंगूठा नहीं काट रहे, पूरा का पूरा हाथ काट रहे ताकि उनको शिक्षा और रोजगार न मिल सके, और इसलिए धर्म के नाम पर दंगा का माहौल बनाया गया। मला मराठी येत नाही और इतना सीखा है माफी मांगने के लिए कि मुझे मराठी आती तो मैं उसमें बात करता आपसे, मगर मैं सबसे पहले ये खेद जताते हुए हिंदी में अपनी बात रखना चाहूंगा। अप्रैल का ये महीना बहुत खास है। चंद्रपुर जहां हम इस समय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, इसकी भी एक ऐतिहासिक अहमियत है, इस जगह की भी। अक्सर देश भर के लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि ये बहुजन के मायने क्या हैं, कौन है बहुजन। हम कोशिश करते हैं कि ये तथागत बुद्ध से आया हुआ एक शब्द है और तथागत बुद्ध से होते हुए फूले अंबेडकर पेरियार से होते हुए मान्यवर कांशीराम तक ये इस मुल्क में वंचित शोषित कर दिए गई जमात के एकजुटता का एक ऐसा शब्द है जिसमें इस मुल्क के 90% आवाम शामिल है, जो भी हाथ से श्रम करता है, जिनके पुरखों ने इस मुल्क को रहने लायक बनाया है और जिनको इस मुल्क में हक हुकूक हिस्सेदारी से वंचित कर दिया गया है, वो सब बहुजन हैं। और अगर ये सब बहुजन हैं, SC ST OBC पसमांदा सारे लोग मिलकर के महिलाएं, तो मुझे लगता है कि जो ये अप्रैल का महीना है, मार्च और अप्रैल का, ये अपने आप में एक मैसेज देता है कि हम सब कैसे एक हैं। 11 अप्रैल
महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की जयंती, आज 13 अप्रैल ओबीसी की बिखरी हुई 3743 जातियों को एक सूत्र में बांध कर इस मुल्क की आधी आबादी से ज्यादा ओबीसी को हक हुकूक व न्याय दिलाने वाले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल की आज स्मृति दिवस है 13 अप्रैल और कल 14 अप्रैल विश्व रत्न, इंसानों के इस दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाकर सबको बराबर करने वाले नायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। और मुझे लगता है कि यह रिश्ता अपने आप में कहता है कि हम सब एक हैं। हमारी पहचान अलग हो सकती है, मैं ओबीसी समाज के बीच से आ सकता हूं, कोई शेड्यूल ट्राइब है, कोई शेड्यूल कास्ट है, इन सब के बीच रिश्ता अगर कुछ है तो वो दर्द का रिश्ता है। और अगर हम सब का दर्द एक है तो हम सब की दवा भी एक होगी, इसलिए हम मिल करके इस बहुजन टर्म को साकार करते हुए इस मुल्क में हक हुकूक व बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए मैं बधाई दूंगा बहुजन समता पर्व के सभी आयोजकों को कि आपने इस बहुजन शब्द को समता के साथ जोड़ करके ये त्योहार और जश्न मनाने का काम किया। आज जिस वक्त हम लोग खड़े हैं और जिस दौर में हम ये बहुजन समता पर्व मना रहे हैं, मुझे लगता है कि इस लफ्ज समता के भी बहुत गहरे अर्थ हैं। अगर हम समता पर्व मना रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तोड़ने वाले लोग भी काम कर रहे हैं, गैर बराबरी के लिए बांटने वाले लोग भी काम कर रहे हैं, और वो इस मुल्क में विषमता पैदा करना चाहते हैं, और हम इस मुल्क में समता की बात करते हैं। बहुजन के मायने क्या हैं? हम जिस मुल्क में रह रहे हैं आइडिया ऑफ इंडिया, इस मुल्क में शुरुआत से सत्य अहिंसा करुणा प्रेम और मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले सबसे पहले अगर रोशनी मुझे कोई दिखती है तो वो तथागत बुद्ध की दिखती है, और वहां से ये पूरी लड़ाई शुरू होती है। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत में ये बात कही कि इंसान इंसान बराबर होने चाहिए, और उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मुझे बहुत प्रिय लगती है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने इतिहास को याद करते हुए अपने वर्तमान चुनौतियों से भी आपको जोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि आज अगर हम चुनौती नहीं समझ पाए और इस मुल्क में अपने बहुजन समाज के सामने जो चुनौतियां उसको समझकर लोगों को समझा नहीं पाए, तो फिर हम ये बात जरूर कर लेंगे कि हमारे पुरखे लायक थे तो हमें यहां तक पहुंचा गए, और हमारी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हम जो पुरखों से हासिल था उसे बचा भी नहीं सके। इसलिए अपने पुरखों को याद करते हुए आज की चुनौतियों से भी लड़ना और उसे समझना जरूरी है। मेरा विषय आज के इस बातचीत में लिखा गया है फूले शाहू अंबेडकर अड़ी आजचा ओबीसी समाज मंडल कमीशन व ओबीसी इंच जनगणना। मैं अपने विषय पर आने के पहले एक बात कह रहा हूं, मैं क्यों तथागत बुद्ध को याद करता हूं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, और याद करिए आज से लगभग 2500 साल पहले उन्होंने कहा कि जब ये सारे इंसान बराबर तो इन इंसानों के ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, सब यहीं के हैं, यहीं का प्रज्ञाशील करुणा विवेक और इन सब से निकली हुई वैज्ञानिक तार्किक चेतना, उसके जरिए उन्होंने समझाया कि इसके बाहर कोई नहीं, यहीं के लोगों ने हमें बांट करके कर्मकांड और अंधविश्वास में फंसाया है। तथागत बुद्ध से उनके लोगों ने पूछा कि आपका असली पैगाम क्या है,
तथागत बुद्ध ने कहा, और ये मेरा सबसे प्रिय वाक्य है, कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे वही सच मानना। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहली रोशनी आइडिया ऑफ इंडिया की तथागत बुद्ध हैं, और वहां से उन्होंने इंसानियत का पाठ इस मुल्क को पढ़ाया। ये एक युद्ध का दौर है साथियों, एक तरफ उनकी विचारधारा है जिनका नाम लेने से भी मैं इस मंच को हल्का नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं, और एक विचारधारा हमारी है जिसको हम शान से याद कर रहे हैं, और उसकी पहली मशाल तथागत बुद्ध थे। और बुद्ध के खिलाफ युद्ध किसने छेड़ा? आपने चूंकि ओबीसी वाले मुद्दे पर मुझे जोर देकर बोलने को कहा है, और ऐसे वक्त में कहा है जब इस देश का प्रधानमंत्री भी खुद को ओबीसी ही कहता है, तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा। और मैं ये सवाल पूछूंगा कि अगर अमेरिका में जाके इस देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, तो हम यहां से सवाल पूछते हैं कि इस मुल्क के प्रधानमंत्री बताएं कि इस मुल्क में वापस लौटकर वो क्यों युद्ध बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। उन्हें विदेश में बुद्ध बुद्ध याद आते हैं और यहां के बुद्ध को खत्म करना चाहते हैं। कैसे? इतिहास में भी दर्ज है कि बुद्ध के खिलाफ युद्ध किसने छेड़ा था, फिर भी वो विचारधारा वापस खड़ी होती है। और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूं, और महाराष्ट्र की जमीन पर खड़ा हूं, ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम से होते हुए जो दूसरी सबसे बड़ी मशाल मुझे महात्मा कबीर की याद आती है, कबीर रैदास पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद चोखा मेला बसवन्ना, वो एक क्रांति का दौर था जिन्होंने फिर से इस पूरे मुल्क को ही नहीं दुनिया को कहा कि इंसान इंसान सब बराबर हैं। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो दूसरी तरफ कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दोन राह न पाई हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। आप इस अपने इतिहास को जानिए, और मैं जानता हूं कि ये इस पंडाल में यहां जितने लोग आए हुए वो तो जानते हुए लोग हैं। देखिए भाई, कुछ आलोचना भी मैं करूंगा, इस पंडाल में या इस सभागार में जितने लोग हैं इनकी औसत उम्र अगर आप निकालेंगे तो कितनी होगी? अधिकांश लोग 50 साल और उसके ऊपर के हैं, नौजवान कहाँ हैं? और अगर नौजवान इस बहुजन समता पर्व में नहीं है तो खबरदार और चौकन्ने रहिए, कहीं कोई ऐसे लोग ऐसी ताकतें आपके घर के बच्चों को किसी धार्मिक जुलूस में शामिल करके किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में तो इस्तेमाल नहीं कर रही है। और अगर हम उन्हें यहां नौजवानों को नहीं शामिल कर पाए तो अगली पीढ़ी को हम बताएंगे कैसे कि आपका इतिहास क्या है। और उस इतिहास में कबीर साहब ने एक सवाल पूछा था, माला तो करमे फिरे जीव फिरे मुख माई और मनवा तो चौंतीस फिरे यह तो सुमरन नाई, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मेरा पुश्तैनी गांव उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में जानते हैं ना इस समय राम राज्य आया हुआ है, आपके यहां महाराष्ट्र में तो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन बहुत मजबूत है। मैं दूसरी बार चंद्रपुर आया हूं, पिछली बार ओबीसी महिलाओं के साहित्यिक सम्मेलन में आया था, और इस बार बहुजन समता पर्व में। तो आपके बीच में जब मैं आता हूं तो लगता है कि इस मुल्क में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, और कल है बाबा साहब की जयंती। एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं इस चंद्रपुर की जगह से कि जश्न और जयंती में कल लाखों लोग इस मुल्क की सड़कों पर होंगे, इस मुल्क की सड़कों पर रैलियां निकाली जाएंगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और लाखों लाख लोग जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक मानते हैं वो इस मुल्क की सड़कों पर होंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि उनमें से सारी पुलिस हटाकर देख लेना, एक पत्थर और एक उत्तेजक नारा भी पूरे देश में कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि अंबेडकर को मानने वाले लोग कभी हिंसा नहीं करते, वो मोहब्बत का पाठ पढ़ाने निकलेंगे।
और इसी मुल्क में आप जाकर पूरे देश में देखिए और मेरे उत्तर प्रदेश बिहार में धर्म के नाम पर जो रैली निकाली जा रही है उसमें रोज दंगा हो रहा है। ये कैसा धर्म का देश आप बनाना चाह रहे हैं? और तब मैं वापस अपने इतिहास को याद कर रहा हूं और इस पंडाल से इस बात को बाहर ले जाने की और उन नौजवानों को बताने की जरूरत है कि बुद्ध के बाद मैंने कबीर का अगर जिक्र किया तो वो इसलिए किया कि कबीर साहब ने इस विरासत को समझा था कि ये धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग आपके बच्चों से आपका हक छीन रहे हैं। वो चोर चोरी करने जब आता है तो कहता है ना, कौवा कान लेके भाग गया, तो आपकी अविवेकी भीड़ तुरंत कौवे के पीछे चली जाती है। हमने अगर विवेक और चेतना संपन्न नहीं किया, और जिन पुरखों को हम याद करते हैं उन्होंने हमें प्रज्ञाशील करुणा और बुद्धि विवेक दिया कि कोई अगर झूठ से दूसरी तरफ दिखाए तो सच से अपने सच और हक की तरफ देखना, उन शख्सों का नाम है फूले अंबेडकर और पेरियार। उन्होंने सच से हमें रूबरू कराया और वो सच से रूबरू कराने का इतिहास कबीर साहब का भी है। और कबीर साहब ने कहा कि तुम कत बाभन हम कत शूद और हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन सूदा। तो जो एंटी कास्ट मूवमेंट तथागत बुद्ध के यहां से चला था वो एंटी कास्ट मूवमेंट 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में इस आइडिया ऑफ इंडिया में फिर से एक आकार लेता है। वो क्या कहते हैं वहां के भाई, पूजीय विप्रशील गुणहीना रामचरित मानस वाला विवाद आप लोग सुने कि नहीं? उत्तर भारत में आजकल रामचरित मानस वाला एक विवाद चल रहा है और उस विवाद में एक सवाल पूछा गया है कि ये क्यों कहा गया कि पूजीय विप्र, विप्र मतलब जानते हैं कि नहीं, विप्र मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मण के लिए क्या कहा गया, मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, ये ऐसा अकेला देश है जहां कोई मुख से पैदा हुआ कोई भुजाओं से पैदा हो गया। अगर इस देश के प्रधानमंत्री को ये बातें बतानी ही है बाहर विदेशों में जाकर तो उनको जाकर बता दें कि भाई तुम लोग हमसे बहुत पीछे हो, हमारे यहाँ कोई मुख से कोई भुजाओं से भी पैदा होता है। भाई आप जाके अपनी बाबाई लूटिए, शेर पाला है, लेकिन आप नहीं बता सकते ये सारी बातें क्योंकि इस बातों पर दुनिया वाले हंसेंगे। और हम आपसे सवाल पूछने, हमारे पुरखों ने आपसे सवाल किया और उन्होंने कहा कि तुम कैसे कहते हो कि पूजी विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा। तब हमारे पुरखे रविदास ने कहा कि पूजी चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण और पूजी न विप्रशील गुणहीना जो होवे गुणहीन। और ऐसे आइडिया ऑफ इंडिया में हम अपने इतिहास को अपनी नई पीढ़ी को जानने देना चाहते हैं और उस इतिहास के खिलाफ फिर मूवमेंट खड़ा हुआ। और तीसरा दौर जब मैं देखता हूं तो वो दौर है महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले का। और फूले साहब को जब मैं पढ़ता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, तो एक किस्सा मुझे याद आता है कि फूले साहब पढ़ाई छूट गई, लोग जब पढ़ने जाते थे फूले साहब तो उनके घर पे जा करके पिता को समझा दिया कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि जो घर पे ब्राह्मण आते थे उनसे वो तर्क करते थे। पढ़ाई छोड़वा दी, फिर दो लोग मिले, उन्होंने फिर से फूले साहब का नाम लिखवाया, पिताजी को समझाया, फूले साहब ने पढ़ाई की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन की किताबें पढ़ी, ज्ञान विज्ञान को पढ़ा समझा और उसके बाद एक किताब कायदे के लिख दी, गुलामगिरी, कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो अपनी बेड़ियां वो खुद पर खुद तोड़ लेंगे। और इसलिए महात्मा फूले ने कोशिश क्या की, वो 18वीं शताब्दी का दौर। और महाराष्ट्र के लोगों, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में दो नवजागरण पढ़ाया जाता है, एक बंगाल का नवजागरण और दूसरा महाराष्ट्र का नवजागरण। बंगाल के नवजागरण को ऐसे पढ़ाया जाता है कि जैसे सबसे प्रमुख वही है, और महाराष्ट्र के नवजागरण को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि महाराष्ट्र के नवजागरण ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस देश का था, एंटी कास्ट मूवमेंट का सवाल था, उसको एड्रेस कर रहा था। इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र के नवजागरण को बाहर कर दिया गया, फूले साहब को सिलेबस में नहीं रखा गया, बाबा साहब की किताबें नहीं पब्लिश कराई गई। और ये आखिरी बात इस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया की मेरी है कि जब फूले साहब ने शिवाजी पर लिखा शिवाजी का पंवाड़ा, किसान के ऊपर लिखा किसान का कोड़ा, और उससे आगे बढ़कर के तृतीय रत्न से लेकर के तमाम किताबें लिखी और क्रांति का आगाज किया, दुनिया में सोने की चिड़िया कहकर के अपने पीठ थपथपाने वाले लोग
इस मुल्क को आज एक धर्म के रंग में रंगने वाले लोग मेरी इस बात का जवाब दें कि फूले साहब और उनके साथ में पहले उन्होंने सावित्रीबाई फूले को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, और उन दोनों ने मिलकर जब पहला स्कूल खोला तो उस स्कूल खोलने के खिलाफ कौन लोग खड़े थे? कौन थे जो सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंक रहे थे? कौन थे जिनके कहने पर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया गया? पिता को किसने भड़काया कि या तो तुम अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो? महात्मा फूले ने अच्छा पुत्र होना नहीं चुना, उन्होंने अपने इस आइडिया ऑफ इंडिया को एक अच्छा शिल्पकार होना चुन दिया, घर छोड़ दिया और अपने स्कूल की लड़ाई को आगे बढ़ाया। वो है आइडिया ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। और अगर वो स्कूल न खुला होता, अगर वो पत्थर सावित्रीबाई फूले ने न सहा होता, तो आज हम जैसे लाखों लाख नौजवान इस मुल्क के निजाम के सामने खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर ये नहीं कह रहे होते कि इस वक्त के निजाम और हुक्मरान बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों का भारत नहीं बनने देना चाहते। हमारे पुरखे लायक थे इसलिए हम यहां खड़े हैं। और फूले साहब को याद करते हुए मैं अपने विषय ओबीसी पर आ रहा हूं, और मैंने यही पहली बात की, घर घर अपने बच्चों को इस आइडिया ऑफ इंडिया को पढ़ाइए। क्यों फूले साहब को यह जातिगत अपमान झेलना पड़ा? क्यों छत्रपति शाहू जी महाराज को इस मुल्क में नायक नहीं माना गया? आप लोग जानते हैं, कुछ नाम मैं ले रहा हूं, लाला लाजपत राय आप जानते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये सारे लोग जो अपने दिल में एक आरएसएस वाले हिंदू को रखते थे, उन सब को इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया कि वो राष्ट्र नायक हैं। और इस देश में फूले अंबेडकर पेरियार को बहुत वक्त तक तो सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया जो असली राष्ट्र नायक थे। उनके दिल में तो एक धार्मिक चीज चल रही थी। और तब मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश के नौजवानों को क्यों नहीं बताया गया कि इस देश की पहली जाति जनगणना कराने वाले और आरक्षण लागू करने वाले शख्स का नाम था छत्रपति शाहू जी महाराज। छत्रपति शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर के अपने दरबार में जब जाति जनगणना कराई और पाया कि 70-75 उच्च पदों में से 65 पर केवल ब्राह्मण काबिज है। महाराष्ट्र के लोगों, हमसे बेहतर आप जानते होंगे, और मध्यवर्गीय पदों पर दरबार में 50 में से 45 केवल ब्राह्मण काबिज थे। तो उन्होंने पता लगाया कि भाई इनकी आबादी मेरे दरबार में कितनी है, पता चला 3-4% से ज़्यादा नहीं, और दरबार के बाहर आबादी 3-4% और दरबार के भीतर आबादी 95-98%। छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में कहा कि इस मुल्क, इस अपने स्टेट में अब 50% गैर ब्राह्मणों को रिजर्वेशन लागू होगा। ये आइडिया ऑफ इंडिया का नया चैप्टर था जिसे आज़ादी के बाद नहीं पढ़ाया गया। और तब मैं आ रहा हूं कि इस आधी आबादी की बात क्यों, क्योंकि ओबीसी समाज के लोगों को भी ये इतिहास नहीं पढ़ाया गया कि फूले साहब ने क्यों ये बात लिखी कि गुलामगिरी से, गुलामों को गुलामी से मुक्ति, जब तक पाखंड और अंधविश्वास से मुक्ति नहीं होगी तब तक बराबरी का भारत नहीं बनेगा। और शाहू जी महाराज ने बराबरी का भारत बनाने के लिए अपना काम किया। और तीसरा वो चैप्टर आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। आजादी के बाद इस मुल्क में, आजादी के पहले तक लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, मर गए होंगे। वो पैदा इंसान होते थे, उन्हें जातियों में बांटकर इंसान से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। उनके गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू बांध करके इस मुल्क में अपमानित किया गया। वो पैदा इंसान होते थे लेकिन उन्हें जातियों में बांट दिया गया। वो पैदा इंसान होते थे लेकिन उनके भगवानों को भी उनसे दूर कर दिया गया। वो पैदा इंसान होते थे लेकिन उनको धन संपत्ति और हिस्सेदारी से दूर कर दिया गया। और 1950 में इस मुल्क में एक ऐसे नायक ने एक नए भारत की किताब लिख दी कि अब जो इंसान पैदा होते हैं वो इंसान की तरह शान और शौकत से जिएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। और उस भारत के संविधान में ओबीसी समाज के लिए उन्होंने प्रावधान किए।
एक तो काम किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने ही ना दिया जाए। आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को गायब कर दिया गया, सिलेबस से गायब, रिसर्च से गायब, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से गायब, सड़क चौराहे की बहसों से गायब। गोया डॉक्टर अंबेडकर का इस देश की आजादी में कोई योगदान ही नहीं। और जब वो खुद उभर कर सामने आए, वो एक शेर है ना कि हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूं, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूंगा, आप बस साथ निभाए रखिए, अभी तो बहुत लंबा चलूंगा। डॉक्टर अंबेडकर उस शोहरत की जमीन को मोहताज नहीं थे, उनको कोई नायक बनाया नहीं। डॉक्टर अंबेडकर अपने आप इस मुल्क के नायक बनकर उभरे और इस मुल्क के आज हर एक जन आंदोलन में सबसे बड़ा कोई नायक है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। और जब डॉक्टर अंबेडकर उभरे तो कोशिश क्या की गई कि उनको केवल दलितों का नेता बना दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर किसके नेता? दलितों के। डॉक्टर अंबेडकर ने किसके लिए काम किया? दलितों के लिए, बाकी के लिए कुछ काम ही नहीं किया। तब हम जैसे लोग, तमाम लोग और ओबीसी समाज को लेकर के बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं, इन तमाम लोगों ने एक बात फिर खोजी। और मैंने जब सामाजिक न्याय की पाठशाला में वो चैप्टर पढ़ा कि 1930 में ओबीसी समाज के लोगों के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है। कई बार लोग हमसे भी पूछते हैं कमले साहब कि जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा उस दिन इस देश का भला होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ओबीसी जिस दिन जाग जाए उस दिन इस देश में क्रांति हो जाए। एक बात तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, एक बात है, ओबीसी अगर कायदे से सो जाए तो इस मुल्क को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, ओबीसी जिस दिन दंगाई बन जाए इस मुल्क में आग लगने से कोई बचा नहीं सकता। दिक्कत पहली क्या है, ओबीसी के बहुत बड़े तबके को एक ऐसी नींद में सुला दिया गया है कि तुम अपनी ताकत भूल जाओ और सोए रहो। यह शिकायत मेरी ओबीसी समाज से है, वो दंगाई नहीं है भाई। और जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि ओबीसी जिस दिन जाग जाए, ठीक बात है, लेकिन ओबीसी धीरे धीरे जाग रहा और जागा हुआ था। मिसाल के तौर पर अभी हमने फूले साहब और शाहू जी की बात कही, आइए छोटा सा इतिहास और जोड़ दूं, फिर अपने विषय वर्तमान पर आ जाऊंगा। 1930 में बिहार में एक संघ बना था जिसका नाम था त्रिवेणी संघ। शायद मध्य भारत तक अभी ये बातें नहीं पहुंची होंगी, लेकिन ओबीसी की तीन बड़ी जातियों के लोगों ने मिल करके त्रिवेणी संघ 1930 में बनाया था, और बाद में चल करके उसका विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ जिसका नाम था अर्जक संघ। तो त्रिवेणी संघ में नारा जो लगा था वो केवल ओबीसी का मूवमेंट नहीं था। जैसे फूले साहब ओबीसी के बीच से आते हुए भी केवल ओबीसी की बात नहीं करते, जैसे डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट तबके से आने के बाद भी केवल शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करते, हमारे नायकों को ये सारे नागपुर वाले लोग कहते हैं कि ये जातियों के नायक हैं। अरे जातियों और धर्मों के नायक तो तुम्हारे होंगे गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार। हमारे नायक फूले, अंबेडकर, पेरियार इंसानियत के नायक हैं, उन्होंने तो जाति को खत्म करने का आंदोलन किया था भाई। फूले साहब ने गुलामगिरी लिखी है तो केवल ओबीसी के लिए नहीं लिखी, उसमें अतिशूद्र, अतिशूद्र और महिला टर्म प्रयोग किया है कुनबी किसान जातियों को एड्रेस करते हुए। पेरियार साहब ने भी सबको जोड़कर देखने की बात की, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज लिखने वाला वो नायक जिसके आर्थिक पेपर और रिसर्च पर आरबीआई बनता है, मजदूरों का ट्रेड यूनियन जो पहला ट्रेड यूनियन इस मुल्क में बना था, वो पहला ट्रेड यूनियन बनाने वाला नायक महात्मा ज्योतिराव फूले थे, और मजदूरों की लड़ाई आगे लेकर के लड़ने वाले नायक का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने पे ग्रेड ग्रेचुटी से लेकर के वेतन और भत्ते की सुविधा दी, तो क्या श्रमिक आंदोलनों के नायक अंबेडकर नहीं होंगे? महिलाओं को मैटरनिटी लीव से लेकर काम के घंटे और वेतन तय करने का सबसे बड़ा काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, लेकिन फेमिनिस्ट मूवमेंट में डॉक्टर अंबेडकर को कायदे से याद नहीं किया गया। और ओबीसी समाज के लोगों, इस मुल्क को अभी हमें और ताकत से बचाना बताना है,
कि ओबीसी समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 जोड़ा, जिसके तहत एक ऐसा कमीशन बनेगा जो गणना करेगा कि इस देश में ओबीसी कितने हैं और उनको उनकी आबादी के मुताबिक हक दिया जाएगा। इस देश में ओबीसी को समझाया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के वक्त जो तीन वजहें बताई थी, उनमें हिंदू कोड बिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वजह यह थी कि जो मंडल, जो कमीशन गठित करना है ओबीसी के नाम पर, ये सरकार वो कमीशन गठित नहीं कर रही है जिससे ओबीसी का नुकसान हो रहा है, ये बात लिखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। और आप कहते हो कि ओबीसी के नायक अंबेडकर नहीं है। अब मैं एक और इतिहास जोड़कर बता रहा हूं, त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ, इन दोनों के बीच में दो नाम आते हैं, शिवदयाल सिंह चौरसिया 1930-40 बिहार में उन्होंने एक आदि हिंदू सभा बनाई। अब यहीं से अपने वर्तमान विषय को समझिए, उन्होंने क्या सभा बनाई, हिंदू सभा, और चौरसिया साहब ओबीसी में आते थे। अब एक किस्सा समझिए, चौरसिया साहब गए ब्राह्मणों के पास, उन्होंने कहा कि मैंने आदि हिंदू सभा बनाई है और तुम लोग भी इसकी सदस्यता ले लो। ब्राह्मणों ने नाराज होकर कहा कि हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आर्य हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं। चौरसिया साहब ने वो पन्ना वहीं फाड़ते हुए कहा कि अब तक तो समझते थे कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, लेकिन अब समझ में आ गया कि अगर तुम आर्य हो तो जाओ, हम जब तुम भी हिंदू नहीं तो हम भी नहीं। उन्होंने बैकवर्ड क्लासेज और डिप्रेस्ड क्लासेज लीग का उत्तर भारत में गठन किया और उसके बाद पेरियार और डॉक्टर अम्बेडकर को जोड़ करके चंद्रिका प्रसाद जिज्ञास और पेरियार ललई सिंह यादव को जोड़ करके 1948 और 1952 में दो सम्मेलन हुए लखनऊ में, एक की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने की और दूसरे की अध्यक्षता पेरियार ने की थी। यह ओबीसी और एससी एसटी की एकता का इतिहास है। और यहां से मैं कह रहा हूं हम सब एक हैं, उन्हें लोगों को लड़ाया जा रहा है। और कैसे लड़ाया जा रहा है, ओबीसी को यह बात पहचानने ही नहीं दिया जाए। त्रिवेणी संघ का नारा अर्जक संघ तक आगे बढ़ा। और देखिए यह दर्शन आइडिया ऑफ इंडिया का, हमारे यहां समाजवादी आंदोलन चला और जिस बीपी मंडल की आज जयंती है, पुण्यतिथि है, उन बीपी मंडल को समाजवादी नेताओं की श्रृंखला में सबसे ऊपर माना जाता है। और यहां से देखिए कि क्या हमारी आज की लड़ाई है। वो नागपुरी लोग, देखिए कुछ बात तो मैं ऐसी जरूर बोलूंगा जिसके लिए या तो बहुत प्रसिद्ध हूं या बहुत बदनाम हूं। हमारे प्रदेश में मेरे ऊपर भी मुकदमा हुआ है। और हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, उत्तर प्रदेश में बहुत वरिष्ठ लोग मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ अगर सर कांवड़ ढोने लोग जाएं, कांवड़ समझते हैं ना, कांवड़ ढोने जा रहे हैं तो आपके ऊपर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगा, और अगर एजुकेशन मांगने और नौकरी मांगने जाओगे तो लाठी बरसाएगा और बुलडोजर चरवा देगा। यह है उत्तर प्रदेश का राम राज्य। तो हमारे यहां जो हेलीकॉप्टर और बुलडोजर के बीच में सारा राम राज्य चल रहा है, आपके यहां तो फिर भी गनीमत है, इसलिए आपके यहां कड़वी बात बोल लेता हूं। और वो बात यही है कि लोग हमें आपस में तुड़वा रहे हैं। ये लोग इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने एक वाक्य लिखा था। इस वाक्य के बाद मैं अपनी ओबीसी वाली बात कह रहा हूं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने साफ लिखा है, अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता समानता व बंधुता विरोधी है, ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर साफ तौर पर लिखते हैं। अब मेरा एक सवाल, इतनी साफ बात डॉक्टर अंबेडकर ने किसी और के लिए लिखी है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए किसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने यह लिखा है क्या कि यह लोकतंत्र विरोधी है, यह मानवता विरोधी है, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, यह चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने किसी और चीज के लिए दी हो तो बताइए। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर को पता था कि इस मुल्क में कुछ दिन बाद ऐसे लोगों का भी सत्ता आएगी जो भारत के संविधान को तार तार करते हुए इस मुल्क को एक धर्म का राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं उन्हें अपना नायक मानता हूं कि हमारे नायक को पहले से पता था कि इस मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा खतरा क्या है।
और इसलिए वो लोग इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं, आओ हमारा दर्शन देखो। समाजवादी आंदोलन और त्रिवेणी संघर्ष संघ का नारा क्या था? 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। इसका मतलब क्या है कि किसी के पास बहुत ज्यादा ना हो और किसी के पास बहुत कम ना हो। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है 2022 में कि इस मुल्क में 1% लोग 40% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, पढ़ा होगा ना आपने। यानी अगर 100 लोग इस देश में रहते हैं और 100 रुपया इस देश में है तो एक आदमी के पास 40 रुपया है। और वही ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि इस मुल्क के 50% लोग 3% पर गुजारा कर रहे हैं, यानी 50 लोग केवल 3 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। और इस 50 को अगर एक्सटेंड कर दीजिए तो 90 लोग 10 रुपए में गुजारा कर रहे हैं और 10 लोग 90 रुपए का कब्जा किए हुए बैठे हैं। इसलिए हम ये बहुजन की जब बात करते हैं तो उन मुल्क के 90% लोगों की बात करते हैं जिनका 90% पैसा और संपत्ति 10% लोग कब्जा किए हुए हैं। और ये बात जान जाए ये मुल्क। इसलिए आज की डेट में इस देश की सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत है तो वो है जाति जनगणना। अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कब्जा करने वाले 1% लोग कौन है। और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने विषय में मुझे जाति जनगणना पर बोलने के लिए कहा है। भाई हम भी तो जानना चाहते हैं कि मेरे मुल्क का वो एक आदमी कौन है जो 40% कब्जा कर लिया। कहीं वो वही तो नहीं जो पैसा लेकर विदेश भाग गया और जब वो भाग रहा था तो चौकीदार सो रहा था। आखिर चौकीदार किसकी चौकीदारी कर रहा था? नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, इनमें कोई भी चंद्रपुर के लोगों, एक बड़ी गंभीर बात आपसे कह रहा हूं, इस मुल्क में अगर किसी शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कोई व्यक्ति इंजीनियर बन गया और उसने एक गलती कर दी तो इस मुल्क के पढ़े लिखे लोगों ने रिजर्वेशन को गालियां दी हैं। बताइए मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं, बताइए गालियां दी कि नहीं? अगर एक एससी एसटी ओबीसी व्यक्ति से गलती हो जाए, एक डॉक्टर ने गलती की तो उन्होंने कहा ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग मेरिट नहीं होती है, ये रिजर्वेशन से आए हैं, ये ऐसे होते ही हैं, और हमारे लोगों को गालियां दी। कल्पना करिए ये देश को लूट कर जो विदेश भाग गए इनमें अगर एक भी एससी एसटी ओबीसी होता तो ये हमारे लोगों का जीना हराम कर देते। ये सारे तो वही हैं जो मुखस से जाए थे ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। हमारे लोग लूटने वाले नहीं है और उन्हें कौन बचा रहा है? ये विदेश भाग गए ये लोग कौन हैं और किसका पैसा लेकर भाग गए? वो बेच रहे हैं भारत को। अब आइए कंटेम्पररी इंडिया की बात करते हैं। और एक ओबीसी प्रधानमंत्री, अरे भाई 75 साल में इस देश को प्रधानमंत्री कोई मिला तो उसने अपनी जाति क्यों बताई? इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को एक अपमान और झेलना पड़ता है कि नहीं? वो हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं, हम जातिवाद करते हैं। बताइए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? वो हमें जातिवादी कहते हैं ना। ये बताओ कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहने तक तुमने अपनी जाति नहीं बताई थी ना, और जब तुम्हें प्रधानमंत्री बनना हुआ तो दोनों हाथ फैलाकर कहे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मुझे ओबीसी लोगों वोट दे दो, और ओबीसी लोग कहे कि अरे बेचारा चाय बेचने वाला, अब इसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। कितना प्यारा नारा दिया था, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे रह जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आप सब ओबीसी लोग उनको वोट दे दिए। और उसके बाद वो चौकीदार शुरू किया, पहले रेल बेच दिया, किस प्लेटफॉर्म पर चाय बेची नहीं पता, किस ट्रेन में चाय बेची नहीं पता, उसे चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके भक्त सब मान लेते हैं कि हाँ चाय बेचा। और वो रेल बेच दिया, देश बेच दिया, और उसके भक्त कहते हैं कहाँ कुछ बिक रहा है, अच्छे दिन तो आ गए हैं। उसने वो बारी बारी बेचना शुरू किया। बताओ चंद्रपुर के लोगों, आप सबसे जागरूक लोग हो इस देश में, सबसे ज्यादा अगर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कर्मचारी है तो वो सबसे बड़ा सरकारी संस्थान कौन है? रेलवे है कि नहीं? सबसे ज्यादा कर्मचारी आपके रेलवे में थे ना, और रेलवे को बेचने का मतलब समझ रहे हैं?
वो आपके जितने लोगों को नौकरी मिली थी सबकी नौकरी खत्म, रेल बिक गई, बैंक बिक गया, LIC बिक गई और नवरत्न कंपनियां बिक गई, BSNL बिक गया, सारा बारी बारी करते बेचते चले जा रहे। और उसके बाद उस फकीर ने एक बात कह दी है कि मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा, चंद्रपुर के लोगों मैं आपसे पूछने आया हूं, हमारे आपके बच्चों का क्या होगा अगर ये सारा कुछ बिक गया तो? ये सवाल हमारा है कि नहीं? उस झोले में वो फकीर क्या क्या भर रहा है, मैं एक बात कहने आया हूं, वो शिक्षा को भर रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर, ठेके पर प्रोफेसर हूं, आज हूं कल नहीं रहूंगा, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी स्थाई नहीं है इस देश में। और वो शिक्षा को कैसे बेच रहा है एक वाक्य में समझिएगा, और तब मैं मंडल कमीशन पर आता हूं। इस देश में जब महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला तो ब्राह्मणों ने इसी महाराष्ट्र सतारा पुणे भिड़ेवाला में बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि ये धर्म का अपमान कर रहा है, ये शूद्र बच्चों को पढ़ाएगा और महिलाओं को पढ़ाएगा। तुम्हारा कैसा धर्म जिसमें हमें इंसान ही नहीं समझा गया और हमें पढ़ने से रोका गया, वो धर्म हमारा था क्या? वो भगवान अगर हमारा था तो वो मूर्ति से बाहर आकर क्यों नहीं कहा ब्राह्मण को कि ये शूद्र भी हमारा है, इसको पढ़ने का हक चाहिए? और अगर तुम्हारे भगवान ने हमें पढ़ने का हक नहीं दिलाया तो वो भगवान हमारा कैसे हुआ? और भारत के लोग तो कहते हैं फूले और अंबेडकर हमारे लिए उससे बढ़कर हैं जिन्होंने हमारे हाथ में कलम और किताब पकड़ाई है, इसलिए हम उन्हें अपना नायक मानते हैं। और वो स्कूल खोलना एक क्रांति थी, और उसके बाद आजादी के बाद नए लोग जब पढ़ना शुरू किए तो रिजर्वेशन लागू नहीं किया 2019 तक। अब आइए मैं इस OBC प्रधानमंत्री के सामने OBC की बात रखता हूं, दोनों हाथ फैला करके उसने कहा ना कि मैं OBC माँ का बेटा हूं, उसने कहा ना कि कैबिनेट में मैंने 27% OBC मंत्री बना दिए। 14 अप्रैल आ रहा है और कल देखिएगा वो फकीर बाबा साहब की मूर्ति पर माला फहराएंगे, वो लोग बाबा साहब की मूर्ति पर भी माला पहनाएंगे और झुक करके कहेंगे कि मैं आज प्रधानमंत्री हूं तो बाबा साहब की वजह से हूं। और जैसे ही मूर्ति की तरफ से हटेंगे पहला काम ये करेंगे कि देखो कुछ और ऐसा बेचने से रह तो नहीं गया जिससे अंबेडकर के सपनों का भारत न बन जाए कहीं। कैसे? वो मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा बेचना इस मुल्क को बर्बाद करना है। और नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। 40% सिलेबस अगर ऑनलाइन मोड में हो गया तो 40% टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर हो गए कि नहीं, प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट पर हो गए कि नहीं? दूसरी पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि इस देश में 45,000 केंद्रीय सरकार के डिग्री कॉलेज हैं, अगले 20 साल में हम उन्हें क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत 15,000 डिग्री कॉलेज कर देंगे। यानी नए डिग्री कॉलेज और स्कूल खोलने की बजाय वो जो खुले हुए स्कूल हैं, अगर स्कूल और डिग्री कॉलेज में मिनिमम क्राइटेरिया 3,000 एंड 5,000 स्टूडेंट की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगी तो एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा, एक स्कूल को दूसरे स्कूल में क्लोज करके सबमिट कर दिया जाएगा। तो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए नए स्कूल और विश्वविद्यालय चाहिए थे, वो शौचालय और देवालय बनवा रहे हैं। ये बताइए किसके सपनों का भारत बना रहे हैं? और इसलिए अब OBC समाज की चिंता, अगर OBC इस देश के प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं कि मैं OBC माँ का बेटा हूं तो एक बात बताओ OBC प्रधानमंत्री, आज तक 9 साल में एक बार भी आपने OBC के सबसे बड़े नायक BP मंडल को कभी याद क्यों नहीं किया? और BP मंडल को याद करने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, 1980-77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मंडल कमीशन गठित हुआ, 80 में रिपोर्ट सबमिट हुई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट 90 में जाकर लागू हुई। और वो लोग कितने शानदार लोग थे जिन्होंने 1950 में आजाद हुए भारत को
भारत कैसा बनेगा इसका खाका खींचा डॉक्टर अंबेडकर ने, और भारत रत्न मिला 40 साल बाद 1990 में। और 14 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा कब होती है? 1990 में। 40 साल तो लग गया इस देश को ये बात कबूल करने में कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न है। अरे भाई, तुम्हारे भारत रत्न का कद बढ़ गया वो अगर बाबा साहब को मिला, क्योंकि वो भारत रत्न नहीं विश्व रत्न थे, क्योंकि वो इंसानियत को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे थे। और उस 1990 में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू करना। और मंडल कमीशन की सिफारिश में पहली सिफारिश थी एजुकेशन, जो गवर्नमेंट एजुकेशन है उसमें 27% रिजर्वेशन, और गवर्नमेंट नौकरी में रिजर्वेशन। अब एक बात बताओ, इस देश के प्रधानमंत्री से ही मैं बात कर रहा हूं, छोटे मोटे लोगों को बीच में लाता ही नहीं, सीधे मेरा बात प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री महोदय, एक बात बताओ, 9 साल से आप प्रधानमंत्री हो, आपने सच सच बताओ मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? मैं मानता हूं कि आपने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की डिग्री फेक नहीं है। जब कंप्यूटर में वो फॉन्ट नहीं आया था तब भी उनकी उस फॉन्ट में डिग्री बन गई। मैं प्रधानमंत्री पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल कर रहा हूं, बताओ मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? और अगर पढ़ी है तो बताओ उसमें लिखा है कि नहीं कि इस मुल्क के 52% आबादी, 52% लोग ओबीसी हैं, 3743 जातियां ओबीसी की हैं। और 1993 में जब इंदिरा सानी जजमेंट के बाद यह नियम बना कि चूंकि अपर लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ओबीसी को सब मिलाकर नहीं हो सकता, तो ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिला? जोर से बोलिए, कितना मिला? 27% मिला। और मंडल कमीशन की सिफारिश कर रही है अगर ओबीसी के साथ न्याय करना है तो इस रिजर्वेशन को उतना करना होगा जितनी ओबीसी की पॉपुलेशन है। लिखा है कि नहीं मंडल कमीशन में? अब इस देश के प्रधानमंत्री फकीर साहब मुझे जवाब दें, अगर आप ओबीसी के हितैषी हो तो जैसे ही आपने 10% सुदामा कोटा ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया तो 50% अपर लिमिट खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बताइए भाई जोर से, अगर 10% सुदामा कोटा, समझ रहे ना, सुदामा का कहानी जानते हैं? अरे वो एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहा करता था। ब्राह्मण गरीब हुआ तो उसके नाम के आगे लिखा गया कि एक गरीब ब्राह्मण था। इस मुल्क के एससी एसटी ओबीसी 90% गरीब बनाए गए, और कभी इस देश में उनके नाम के आगे गरीब नहीं लिखा गया, क्योंकि मान लिया गया था कि ये लोग तो ऐसे ही कंगाल लोग हैं। हमारे लिटरेचर में भी हमें अपमानित किया गया। तब मैं इस मुल्क के निजाम से पूछता हूं, अगर आपने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कर दिया है तो आज इस देश के प्रधानमंत्री घोषणा करें कि ओबीसी की 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन लागू करते हैं, अगर नहीं करते हो तो हम आपको फेक ओबीसी कहते रहेंगे। और अगर 52% रिजर्वेशन लागू नहीं कर रहे तो एक काम और कर लो, जरा गिन लो कि कितने ओबीसी हैं। भाई गिनती करोगे इस देश में कितनी भेड़ बकरियां हैं? आप गूगल करिए तो मिल जाएगा। इस देश में कितने पेड़ पौधे हैं? आप गूगल करिए तो मिल जाएगा। इस देश में कितने जानवर हैं ये पता लगाइए तो मिल जाएगा। इस देश में कितने एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी की तो गिनती होती है, कितने ओबीसी और अपर कास्ट हैं इसकी जनता, इसकी जानकारी इस देश को नहीं है। अब एक बात बताइए, जाति जनगणना का मतलब समझा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जाति जनगणना अगर होगी तो जातिवाद बढ़ जाएगा। सो क्यूट लॉजिक। इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ कि नहीं हुआ? और 1951 से इस देश की जनगणना में धर्म गिना जाता है कि नहीं जाता है? बताइए जोर से, धर्म गिनते हैं कि नहीं? अरे भाई, जब तक तुमने धर्म के नाम पर दंगाई राजनीति शुरू नहीं की थी तब तक इस देश में धर्म के नाम पर दंगे बहुत कम हुए। दंगे तो तब हुए जब ने तुमने धर्म की राजनीति शुरू की। गिनने से कोई दंगा और कोई बंटवारा नहीं होता। जैसे धर्म गिनते हो, जैसे भाषा गिनते हो, इस देश में भाषा के नाम पर राज्य बटे कि नहीं बटे? धर्म भाषा के नाम पर राज्य बटे और फिर भी भाषा गिनते हैं?
धर्म के नाम पर देश बटा फिर भी धर्म गिनते हैं, इंसान जाति के नाम पर बटा और वो जाति नहीं गिनते, ये धोखा है कि नहीं है? इसलिए हम कहते हैं कि जातियों के गिनने से जातिवाद नहीं बढ़ता, जातियों के न गिनने से जातिवाद बढ़ता है, क्योंकि रोहित विमला को जाति पूछ करके सांस्थानिक हत्या की गई। डॉक्टर पायल तड़वी, और अभी हाल का केस है महाराष्ट्र के लोगों, आप जानते होंगे दर्शन सोलंकी नाम का एक लड़का था ना, आईआईटी में पढ़ता था ना, लोग कहते थे कि जब नया भारत बनेगा तो अपने आप जातियां खत्म हो जाएंगी। ये बताओ सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग आईआईटी में होंगे कि नहीं, सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग ये यूनिवर्सिटीज में होंगे कि नहीं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं और साफ कह रहा हूं, इंटरव्यू में नंबर देने में भी जाति देखी जाती है, इंटरव्यू और वाइवा में नंबर देने में जाति देखते हो, और उसके बाद जाति के नाम पर इतना जलील करते हो कि दर्शन सोलंकी की सांस्थानिक हत्या होती है, तुम जातियां नहीं गिन रहे हो तब भी जातिवाद बढ़ रहा है। मेरा एक सुझाव इस देश के प्रधानमंत्री माने कि वो जाति जनगणना करा दो, और जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करा दो, ये देखो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा। बीमारी और हमारे ऊपर तोहमत, एक शेर पढ़ रहा हूं, हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमी से पानी का हिसाब मांगते हैं, कहते हैं कि हम मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। ओबीसी प्रधानमंत्री महोदय एक और जवाब दो, अगर जातियां नहीं गिने तो देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर 2019 तक ओबीसी का क्यों नहीं था? तुम कहते हो कि हमने राष्ट्रपति दलित बना दिए, हमने कैबिनेट मिनिस्टर दलित और ओबीसी बना दिया, हमने देखो नई राष्ट्रपति पहली आदिवासी महिला बना दिया, हम कहते हैं थैंक यू माय डियर फकीर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लेटरल एंट्री से जो 400 ज्वाइंट सेक्रेटरी तुमने बनाए उसमें एक भी SC ST ओबीसी क्यों नहीं है? हम तो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तुम ये सांसद विधायक क्यों बना रहे हो? वो तो अपने दम पर बन जाएंगे। हमारे एक पुरखे ने जो यही महाराष्ट्र से थोड़ा नाराज होकर गए थे, महाराष्ट्र वालों आप भी इसका मूल्यांकन करिए, मान्यवर कांशी राम, और मान्यवर कांशी राम ने एक किताब लिखी है चमचा युग, पढ़ा है आप लोगों ने? चमचा युग का एक वाक्य है, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। हमारे लोग जो SC और ST सीटों पर सांसद और विधायक बने, उन्होंने बंद आंखों से खुले तौर पर 2 अप्रैल के भारत बंद को चुपचाप देखा, जब SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी हुई थी, जब 13-point रोस्टर आया था तो वो खामोश थे, जब पायल तड़वी का केस हुआ तो वो खामोश थे, जब हाथरस में एक बेटी को जिंदा उसकी लाश को आधी रात को पेट्रोल डालकर जला दिया तो वो खामोश थे, जब जितेंद्र मेघवाल को मारा गया तो वो खामोश थे, जब मटका छूने से मारा गया तो खामोश थे, जब इस देश के यूनिवर्सिटीज में बैठकर सारे इंटरव्यू SC ST OBC के नंबर काटे जा रहे हैं वो खामोश हैं। लेटरल एंट्री में मैं आपसे कह रहा हूं, महाराष्ट्र के लोगों चलो RTI लगाते हैं, 400 लोगों को इस सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया, उसमें एक भी SC ST OBC नहीं है, और जितने SC ST OBC लोग वहां सांसद और विधायक बन के बैठे हैं वो चुपचाप खामोशी से ये सब देख रहे हैं कि नहीं? वो खामोश हैं कि नहीं? तो चमचा कौन हुआ? आपके समाज का वोट लेकर के हमारी बर्बादी का नजारा वो चुपचाप देख रहे हैं, और वो देखते हुए हमारे जुल्म और सितम को देख रहे हैं, हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा बिक गई। लेटरल एंट्री में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, और मैं क्यों बोल रहा था कि फकीर ने पूरा देश बेच करके आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, क्योंकि अगर प्राइवेट हो जाएगा सब कुछ तो उसमें कोई रिजर्वेशन है क्या? अगर एजुकेशन प्राइवेट हो गई तो रिजर्वेशन मिलेगा क्या? और अगर सरकारी नौकरियां बिक के प्राइवेट हो गई तो रिजर्वेशन मिलेगा क्या? अब एक बात बताइए, अशोका गलगोटिया लवली प्रोफेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोली है ना, उसमें कितने SC ST OBC घरों के बच्चे पढ़ते हैं? मीडिया में रिजर्वेशन है क्या? एक तो मीडिया का नाम देखिए मेरी जुबान से आ गया, इस देश में 4th pillar कहा जाता है मीडिया को, और इस देश में किस्मत बताने वाले पाखंडी बाबाओं को बैठाकर मीडिया पे कहते हैं कि ये बाबा चमत्कार कर रहा है। पुराने लोग जो मंच पर बैठे हैं और सामने बैठे हैं, इन लोगों को याद होगा,
1990 और 2000 के दशक में इस देश में गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी थी, याद है कि नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि वो मूर्तियां आज फिर क्यों ही दूध पी रही, प्यास नहीं लगती क्या भाई? पिलाओ दूध। और तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। हमारे उत्तर भारत में रोज धर्म के नाम पर कथाएं हो रही हैं। हमारे यहाँ एक 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 बाबा है, वो क्या कहता है सर, मैं आपको बताऊं, उसकी वीडियो सामने है। वो कहता है अगर आपका बच्चा पढ़ाई करने में कमजोर है और मान लीजिए कोई एग्जाम देने जा रहा है, जिस दिन उसका पेपर है, बेल पत्र लो, उस पर शहद लगाओ और शिवलिंग पर चिपका दो, आपका बेटा पास हो जाएगा। और उसी कथावाचक का अपना बेटा 8वीं क्लास में 2 बार फेल हो गया। ये अपने देश को ऐसे मूर्ख बना रहे हैं। मेरे पिताजी बचपन में एक जादूगर को पकड़े, हम लोग बहुत छोटे थे। वो जादूगर मिट्टी को उठाता था और ऐसे मंत्र पढ़ के कहता था, देखो पैसा बना दिया। मेरे पिताजी ने कहा, जब तुझे मिट्टी से पैसा बनाने की कला आती है तो जादू दिखाकर पैसा क्यों कमाता है भाई? सिंपल लॉजिक। वो जादूगर मिट्टी से पैसा नहीं बनाता, मिट्टी को आपकी आंख में धूल झोंक कर आपकी जेब से पैसा लेकर चला जाता है और आप कहते हैं कि आप जादू देख रहे थे। इस देश में धर्म के नाम पर आपकी जेब का पैसा लेकर चला गया। आके किस्सा महाराष्ट्र में अक्सर सुनाता हूं, आप भी सुनिए, रेफरेंस दे रहा हूं, नहीं तो पता चला लौटूंगा दिल्ली तक तो मेरे ऊपर NSA लगा दिया जाएगा कि हमारी भावनाएं आहत कर रहे थे। इस देश में जिसके गले में मटका डाला उसकी भावना नहीं थी क्या? भीमा कोरेगांव में कहा कि वो शस्त्र नहीं पकड़ सकते, और 500 महारों को जब शस्त्र पकड़ाया तो पेशवाओं की सेना के छक्के छुड़ा दिए। हमारी काबिलियत और हुनर तुमने रोका था, हमारे अंदर पूरी काबिलियत है। और इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, एक नाटक लिखा है ज्योतिबा फूले ने, तृतीय रत्न। और तृतीय रत्न नाटक में क्या लिखा है वो किस्सा जरूर सुनाता हूं, आज के वक्त में सुनाना जरूरी है। अगर ये किस्से हम नहीं सुनाएंगे तो हमारे बच्चे किसी धर्म की यात्रा में जाकर ये भूल जाएंगे कि उनके हाथ में कलम और किताब पकड़ाने वाले पुरखों ने बड़ी मुश्किल से कलम किताब पकड़ाई थी, और इस मुल्क के नेता आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन रहे हैं और धार्मिक संसद में नारा लगाते हैं कि हिंदुओं तुम खतरे में हो, त्रिशूल और तलवार रखो। अरे हम बिरसा फूले अम्बेडकर पेरियाल वाले कहते हैं, त्रिशूल और तलवार उन नेताओं को कह दो कि अपने बेटे बेटियों को रखो। और जय शाह जो अमित शाह का बेटा है उसको BCCI का चेयरमैन बनाकर अरबों रुपए कमवा रहा है और हमारे बच्चों को सिखाता है कि त्रिशूल तलवार रखो। आए इस मुल्क के 90% लोगों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, अपने बच्चों को किसी त्रिशूल और तलवार को मत पकड़ने दीजिएगा, उनके हाथ में कलम और किताब पकड़ाइएगा, वही बाबा साहब अंबेडकर के और फूले के सपनों का भारत होगा। ये हमारे बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन कर उन्हें दंगाई बनाकर 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं, और पहले भी चुनाव जीतते आए। वो धर्म का नारा, वो धर्म की बात, अरे न धर्म खतरे में है, न कोई भगवान खतरे में है। अगर खतरे में है तो मुल्क का संविधान खतरे में है, और हम उन्हें बचाने के लिए आपके बीच में आए। मैं जानता हूं कि मेरे मंच पर और सामने अंबेडकर फूले पेरियार पर बोलने वाले और पढ़ने वाले मुझसे काबिल लोग हैं भाई, मगर अगर हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो इन दंगाइयों को सत्ता से हटाना होगा कि नहीं? और इसलिए मैं सीधी सपाट बात कह रहा हूं, ओबीसी का नाम लेकर ओबीसी को धोखा दिया कि नहीं दिया? पिछले दिनों सत्तारूढ़ दल ने कहा कि ये कांग्रेस वाले नेता ने ओबीसी का अपमान कर दिया क्योंकि चोरों को ओबीसी से जोड़ दिया। चंद्रपुर के लोगों बताओ, जितना चोरी पैसा लेकर भागा उसमें एक भी ओबीसी है? जोर से बोलिए, ये जितने विदेश में पैसा लेकर भागे एक भी ओबीसी है? जब वो एक भी ओबीसी नहीं है तो तुमने उन्हें ओबीसी से जोड़कर ओबीसी का अपमान किया है, ये बात मैं तुमसे कहने आया हूं भाई। जब उसमें एक भी ओबीसी नहीं तो ओबीसी का अपमान कौन कर दिया? ओबीसी का अपमान वो कर रहा है जो प्रधानमंत्री होकर बार बार याद करता है कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, लेकिन जाति जनगणना नहीं करवाते, जो मंडल कमीशन की सिफारिशें नहीं लागू करते, जो प्रोफेसर वाइस चांसलर कुलपति और उसके बाद जज ओबीसी के नहीं बनाते, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नहीं बनाते, जो इस सारी आबादी को अपना हक पाने से रोकना चाहते हैं। देखो एक बात सुन लो आप, अबर वो सब ये करने में कामयाब क्यों हो गए? क्योंकि आपको धर्म के नाम पर उकसा दिया गया है।
एक बात सोचिए, सिलेबस बदला जा रहा, आखिरी के दो चार मिनट और लूंगा, मुझे पता है 10 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, दो चार मिनट और कुछ कंटेम्पररी। कमलेश साहब, दिलीप साहब ने हमें बुलाया है, तो दिलीप साहब ने जोखिम लिया है, 5 मिनट और बोलूंगा मैं। अच्छा चलते हैं, नहीं बीच में कभी कोई टेस्ट ले लेता हूँ कि मेरी बात सही जा रही है कि नहीं जा रही। सिलेबस बदलने का किस्सा सुना आपने कि मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, सुन रहे ना? अब सिलेबस में क्या लिखा जाएगा, महाराणा प्रताप बहुत बड़े योद्धा थे। विद्यार्थी पूछेगा कैसे, तो उन्होंने वो लिखेगा, टीचर पढ़ाएगा, क्योंकि उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। विद्यार्थी पूछेगा किससे, तो कहेंगे अन्याय से। फिर विद्यार्थी पूछेगा नहीं नहीं मतलब किसके खिलाफ लड़े थे, तो टीचर बोलेगा जुल्म के खिलाफ लड़े थे। तो विद्यार्थी कहेगा नहीं नहीं जुल्म कौन कर रहा था, तो टीचर बोलेगा एक राजा कर रहा था। तो विद्यार्थी पूछेगा राजा का क्या नाम था, तो टीचर बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस है। आप समझिए, अरे भाई आप महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाओगे बिना मुगलों से, अरे भाई लड़ाई कौन लड़ा? विद्यार्थी अगली क्लास में पूछा ताजमहल कौन बनवाया था, तो कहेंगे एक बादशाह बनवाया था। कहे क्या नाम था, कहा आउट ऑफ सिलेबस। आप क्या बनाना चाहते हैं इस देश को? किताबें तो हम चाहते हैं कि गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार की भी किताब पढ़ें, ताकि उनको उनकी भाषा में जवाब दें। हमारे पुरखे ने पहले मनुस्मृति पढ़ी और उसके बाद मनुस्मृति जलाई और उससे बेहतर किताब लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, और उसके बाद बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। हम कहते हैं कि सबको पढ़ने तो दो कम से कम, और जब पढ़ने दोगे तो ज्योतिबा फुले का एक नाटक पढ़ने दोगे। मैं रेफरेंस से बात कर रहा हूं, ज्योतिबा फुले एक नाटक लिखे हैं जिसका नाम है तृतीय रत्न। आज की चुनौती, और ये चुनौती केवल ओबीसी की नहीं है, ये चुनौती शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और किसान, कमेरा, कुनबी जातियों की भी है। उस नाटक में महात्मा फुले एक बात कहते हैं, एक आदमी बहुत परेशान था और वो जब गया तो परेशान होकर उस जमाने में किसके पास गया, वही मुखत से जायते ब्राह्मण है भाई, देवता का अवतार जो यहां था। राजा को ब्राह्मण ने कहा कि राजा देवता का प्रतिनिधि है, तो राजा ने ब्राह्मण के लिए कहा ये खुद देवता के अवतार हैं, दोनों मिलकर के प्रजा को गुलाम बनाए। राजा रानी के पेट से पैदा होता था, बाबा साहब के संविधान के बाद कोई राजा रानी अब पेट से पैदा नहीं होता। और मंडल कमीशन लागू करते समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लाल किले के भाषण से कहा था, मैंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसे माँ के पेट में वापस ले आ सकता, इस देश की आधी आबादी ओबीसी, उसको पूरा हक मिलकर रहेगा। तब मंडल लागू हुआ था। और बताओ इस देश के प्रधानमंत्री मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर यात्रा करने कौन निकला था? इस देश में मंदिर के नाम पर दंगा करने वाले लोग कौन थे, याद है ना आपको? मंडल के विरोध में कमंडल, और उस रथ यात्रा का संयोजक कौन था? वही जो बचपन में भगवा झंडा जब तालाब में गया तो बाल नरेंद्र को दिखा कि भगवा का अपमान हो रहा है, तालाब में बाल नरेंद्र कूद गया और मगर और भगवा झंडा ले आया, उसके साथ मगरमच्छ के बच्चे को भी दबा के ले आया, फिर 35 साल भीख मांग के गुजारा किया, फिर इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया और फिर एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। यह सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। मैं कोई अपमान तो नहीं कर रहा हूं इस देश के प्रधानमंत्री का, भाई जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वही तो मैं याद दिला रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप ओबीसी हैं तो क्या आप इस गुनाह की माफी मांगेंगे कि मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा के संयोजक आप थे कि नहीं थे? बताइए भैया, वो थे कि नहीं थे? तो मंडल के विरोध में कमंडल ले आए आप, और धर्म के नाम पर दिन रात दंगा, मंदिर, मस्जिद, नहीं भाई, इस देश को देवालय की जरूरत कम है, शौचालय के बिना भी जी लेंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की जरूरत है, और इसलिए हम इस मुल्क को बचाने की बात करते हैं। और अगर विद्यालय होगा तो तर्क विवेक होगा, कलम किताब होगी तो बच्चा सवाल पूछेगा, बच्चा सवाल पूछेगा तो वो जो बच्चा गया था, ज्योतिबा फूले तृतीय रत्न नाटक में लिखते हैं कि जब वो बहुत परेशान व्यक्ति गया ब्राह्मण के पास, तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, तो ब्राह्मण ने कहा लाओ मैं तुम्हारी जन्म पत्री देखता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि यार तुम्हारा शनि ग्रह ठीक जगह पर नहीं है। क्या नहीं है? शनि ग्रह।
शनि ग्रह को भी नहीं पता है कि उसके जगह बदल देने से धरती पर लोगों की किस्मत बदल जाती है। राहु केतु को पता ही नहीं है कि इस देश में, मंगल को पता ही नहीं कि कितनी शादियां उसके नाम पर टूट जाती हैं भारत में। तो उसने कहा कि शनि ग्रह ठीक नहीं है, तो कहा कैसे ठीक होगा, अरे ज्योतिबा फुले लिख रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, पता चला कल को मेरे ऊपर मुकदमा कर दोगे। अरे भाई हिम्मत है तो फूले के ऊपर मुकदमा करके दिखाओ, हिम्मत है तो अंबेडकर के खिलाफ बोलकर दिखाओ। और मैं नौजवानों आपको भी एक संदेश देकर जा रहा हूं, कितनी भी कड़वी आलोचना करनी हो फूले अंबेडकर पेरियार को सामने रख दीजिए, जितना हमारे पुरखों को आलोचना करनी थी अगर वही हम आलोचना पढ़ दें तो वही बहुत है, अगर हम सीधे बोलेंगे तो ये जालिम आपको जेल में डाल देंगे। हमारे पुरखों ने कम आलोचना की है क्या, इसीलिए मैं देखो उनका लिखा हुआ पढ़ा रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, नाटक का नाम है तृतीर्थ, ज्योतिबा फूले के संकलन में शामिल है। तो उसने कहा कि आपका शनि ठीक जगह पर नहीं है। उसने कहा ठीक जगह पर आएगा कैसे, कहा हवन करानी होगी, कहा कितना खर्चा होगा, कहा कि 10,000 रुपया लगेगा। वो आदमी को कहा कि बड़ी गरीबी है, इतना पैसा तो नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट की सेल लगा देते हैं, 5,000 दे देना, तुम्हारा शनि हम ठीक जगह पर ले आएंगे। वो आदमी कहा नहीं साहब, कोरोना में नौकरी चली गई, बहुत थाली बजाई ताली बजाई दीपावली मनाई, फिर भी कुछ लोग कोरोना में हमारे चले गए, हमारा बिजनेस चौपट हो गया, हमारी संपत्ति है नहीं, इतना पैसा भी नहीं दे पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा 1,000 रुपये दे दो, छोटी वाली हवन करा देता हूँ। वो आदमी कहा नहीं साहब, इतना भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा जाते आते कि अच्छा ऐसा करो 100 रुपये दे दो, मैं एक मंत्र दे देता हूँ, पढ़ते रहना, शनि ठीक जगह पर आ जाएगा। वो आदमी खड़ा होकर दोनों जेब का खाली जेब दिखाकर बोला कि मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। नाराज होकर दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मैं नहीं लग रहा भाई, ये महात्मा फूले ने कहा है। फूले ने कहा है जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही दान दक्षिणा के नाम पर धर्म का व्यापार करना उनका धर्म नहीं धंधा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, महात्मा ज्योतिबा फूले कह रहे, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं और उसी को कहते हैं कि धर्म खतरे में। मैं आपसे गुजारिश करने वाला हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन विद्यालय जाने लगेगी, इस भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। और विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया, लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? और आपको अचानक आके बताया जाता है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। अरे मैं आपसे कहने आया हूं 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ, ये 10% तेरा लोगों से आपके बच्चों के भविष्य को खतरा है। और केवल शिक्षा बचाओ, मैं एक इस देश के नेताओं के लिए कहना चाहता हूं, अगर इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह का बेटा जय शाह हिंदू धर्म बचाने क्यों नहीं जाता? अगर इस देश में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़नी है तो जितने इनके सांसद विधायक हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते?
आपको पता होना चाहिए कि ये बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं, और हमारे आपके घरों के बच्चों को सरकारी स्कूल भी नहीं नसीब होता है। और आपके बच्चे जब शिक्षित नहीं होते तो अचानक कोई आकर कहता है कि धर्म खतरे में है, आपका बच्चा धर्म बचाने चला जाता और आपका परिवार लुट जाता है, और जो लड़ा रहा है उसका परिवार आबाद हो गया। वो एक चुनाव जीता, अगली बार दूसरा चुनाव जीतेगा, तीसरी बार तीसरा चुनाव जीतेगा, और आपका बच्चा हमारे और आपके सामने शिकायत करेगा कि हमें तो शिक्षा नहीं मिली। तुम जब थे 2023 में बहुजन समता पर्व मना रहे थे, तब तो अंबेडकर और फूले को याद कर रहे थे ना, तब तो तुम्हें पता था मंडल कमीशन क्या है, उसका लाभ लिए थे कि नहीं, भारत के संविधान का लाभ लिए थे कि नहीं, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी का लाभ लिए थे कि नहीं, और तुम्हारे पुरखे लायक थे तो तुमने सबका लाभ लिया, और तुम्हारी आंखों के सामने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद किया गया, तुम्हारी आंखों के सामने आरक्षण खत्म किया गया, तुम्हारी आंखों के सामने ओबीसी की जाति जनगणना नहीं कराई गई, तुम्हारी आंखों के सामने मंडल के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया, तुम क्या कर रहे थे? हम केवल ये कहेंगे कि हम बिरसा फुले अम्बेडकर की जयंती मना रहे थे? नहीं साहब, पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगे। इसलिए क्रांति का वक्त है चंद्रपुर महाराष्ट्र के लोगों, ये अगले चंद महीने जो बचे हैं ना, अगर उसके बाद 2025 में इसी नागपुर का ये सांस्कृतिक संगठन अपना 100वां साल मनाएगा, जिसके जहन में भारत का संविधान नहीं मनुस्मृति है, ये साफ अपने लोगों को बता दीजिए, और मनुस्मृति में राम राज्य में शंबूक मारा गया, किसी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, हमारे पुरखे शिकार होते गए। 2023 के लोगों, नए वक्त के द्रोणाचार्य एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का अंगूठा नहीं काट रहे, पूरा का पूरा हाथ काट रहे हैं, ताकि उनको शिक्षा और रोजगार न मिल सके, और इसलिए धर्म के नाम पर दंगा का माहौल बनाया गया। आज भी द्रोणाचार्य जिंदा हैं, और इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, आरक्षण इसलिए नहीं था कि एकलव्य कमजोर था, आरक्षण इसलिए था क्योंकि द्रोणाचार्य दोहरा चरित्र वाला था, उसने हमारी मेरिट को नहीं चेक किया। और याद रखो, मैं जाते जाते गुजारिश कर रहा हूं, एक बड़ा पसंदीदा शायर है मेरा, वो लिखता है कि लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत तुम्हारे पास अगर है सितमगरों, तो अपने पास भी बिरसा फूले पेरियार है, और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे भले ही हम अकेले रहें। और चलिए आज से क्रांति का आगाज करें, आज बीपी मंडल की शहादत दिवस के दिन इस देश के आधी आबादी के ओबीसी समाज के लोगों, किसी और के लिए मत लड़ो, पहला काम ये करो कि ये 3743 जातियों में जो तुमको एक करके गए बीपी मंडल, उन्होंने कहा था कि 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन मिलेगा, चलो गांव गांव चलते हैं और कहते हैं कि अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो जनगणना नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें बताओ कि हमारी आबादी कितनी है और हमारी शिक्षा और रोजगार हमारे पास कितना है। और दूसरा मुद्दा, चलो गांव गांव चलें ओबीसी समाज के लोगों, दूसरा मुद्दा आप अपने एजेंडे में रखिए कि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हो गया है तो 50% की अपर लिमिट खत्म हो गई है, 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके बिना जो इसका विरोधी हम उसे वोट नहीं देंगे। तीसरा मुद्दा, सरकारी शिक्षा सरकारी संपत्ति को अगर प्राइवेट हाथों में बेच रहे हो तो मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, चलो प्राइवेट सेक्टर में भी हम रिजर्वेशन लेंगे। अरे भाई, प्राइवेट सेक्टर जैसा कुछ होता है क्या? अंबानी और अडानी को 10,00,000 करोड़ रुपया लोन दे दिया, 10,00,000 छोड़ो 1,00,000 रुपए लोन दे करके दिखाओ, बैंक वाले आपके चप्पल घिसा देंगे, और प्रधानमंत्री का दोस्त है तो लाखों लाख करोड़ रुपए का लोन दे दिया,
दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बना दिया। कहा था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया, हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बेच दिया। आपको सपने दिखाए बड़े और आपकी संपत्ति को लूट लिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है अगर एक रुपए भी सरकार का लाभ किसी संस्थान ने लिया है तो वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर है। गांव गांव चलिए और बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इस मुल्क के 90% SC ST OBC अगर जिस भी जगह पर नहीं है तो भारत का संस्थान होगा क्या? लेटरल इंट्री बंद होनी चाहिए। अगर लेटरल इंट्री बंद नहीं होगी तो आप नीचे से IAS बनोगे, ऊपर तक पहुंच नहीं पाओगे, और ऊपर से वो लोग लेटरल इंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाकर RSS वालों को बिठा रहे हैं आपके देश को, भविष्य को बर्बाद करने के लिए। साफ बोलकर जा रहा हूं, कोई लाग लपेट नहीं है। वो शाखा से निकले हुए लोग वहां बैठ करके पूरे देश को बेच रहे हैं। तो लेटरल एंट्री में अगर रिजर्वेशन नहीं है तो आपके लोग होंगे क्या? प्रमोशन में रिजर्वेशन मंडल कमीशन की अगली मांग थी। चलो इस देश के लोगों को कहें कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। और आखिरी बात, कोई अगर आपसे कहे कि जाति जनगणना ओबीसी का सवाल है तो उससे कहिएगा नहीं भाई, केवल ओबीसी नहीं, इस देश के अपर कास्ट को भी गिनो, हम भी जानना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों की आबादी 2-3% है और 90% वकील, जज और प्रोफेसर, वही 3% मुखद से जायते तो नहीं बने हुए हैं। इसलिए सबकी गिनती होगी तभी जाति जनगणना होगी। केवल ओबीसी की गिनती मत कराइएगा, क्योंकि ओबीसी की गिनती करने से पूरा आंकड़ा नहीं आएगा। मैं जानना चाहता हूं कि वो 1% लोग कौन है जिन्होंने 40% लोगों पर संपत्ति कब्जा किया हुआ है। और इसलिए हमें विरासत में बहुत गम मिला है। हमारा एक शायर कहता है बिरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, सर जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। आज कुछ लोग खुदा बने बैठे हैं, और मैं ये बात कहते जा रहा हूं, सुबह का चढ़ता ये सूरज शाम को ढल जाएगा, जो बुझा बैठा है आरिफ वो दिया जल जाएगा, वक्त के दरिया में तुम तूफान आने तो दो, कौन कितने पानी में है सब पता लग जाएगा। एक बार जागने तो दो इस मुल्क के 90% लोगों को। चंद्रपुर के लोगों, आपसे विदा लेते हुए केवल एक बात आखिरी, अगर शिक्षा नहीं बची, अगर रोजगार नहीं बचा, कलम और किताब हार गई तो तलवार और त्रिशूल जीत जाएगा। तलवार और त्रिशूल जीतेगा तो संविधान हार जाएगा। संविधान हारेगा हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे गुलाम पैदा होंगे, और गुलाम ऐसे गुलाम होंगे कि पता नहीं फिर कोई फूले अंबेडकर पेरियार आएगा या नहीं आएगा। जब फूले काम कर रहे थे तो अकेले रहे होंगे, अंबेडकर के खिलाफ अंबेडकर के लोगों को खड़ा कर दिया गया, शाहू जी को बड़ा नहीं होने दिया गया, बीपी मंडल के खिलाफ कमंडल वाले आ गए, फिर भी हमारे पुरखों में दम था, वो लड़के हमें इतना कुछ सौंप गए। हम जाएंगे, हमारी आवाजें बहुत कम हैं, हम जानते हैं कि हमारी आवाजों को बहुत दूर तक नहीं सुना जाएगा, हम जानते हैं कि जागरूक लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं, इस 14 अप्रैल के बाद जाएंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, लेकिन इस मुल्क को सांप्रदायिकता की आग से पता नहीं बचा पाएंगे कि नहीं। मुझे अफसोस होता है कि शायद हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं, मुझे अफसोस होता है कि जालिम की ताकत बढ़ती जा रही है, मुझे अफसोस होता है कि हमारे लोग जालिम का साथ दे रहे हैं, मुझे अफसोस होता है कि ओबीसी SC ST के लोग अपने बच्चों का भविष्य खत्म होता देखकर भी नहीं समझ पा रहे, मुझे अफसोस होता है कि मुल्क में नफरत की आग बढ़ाई जा रही है।